नमस्कार साथियों, शिव की दासी चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और रीडिंग। आज की रीडिंग बहुत ही ज़्यादा विशेष है। कारण ये है कि आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कृष्ण जी और राधा माँ की तरफ से आपके लिए दिव्य संदेश। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। कृपया आप लोग जानें कि आपके जीवन में आपके भाग्य को बदलने के लिए आपकी आने वाले दिनों में आपके अच्छे भविष्य के लिए कृष्ण जी और राधा माँ आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या संकेत देना चाहते हैं। तो हम शुरू करेंगे यहाँ पर ऑप्शन वन के साथ। मैंने यहाँ पर ऑप्शन वन में रखा है राधा जी और कृष्ण जी की मनमोहक दर्शन, और यहाँ पर ऑप्शन टू में रखा है मैंने कृष्ण जी का बाल रूप। तो आपको जो भी अच्छा लग रहा हो, जिससे आप ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो, कृपया उस ऑप्शन को चुने। आपको एक ऑप्शन चुनना है, ऑप्शन वन कृष्ण जी और राधा माँ। जय श्री कृष्ण राधे। और ऑप्शन टू में मैंने रखा है कृष्ण जी का बाल रूप। तो मैं चाहूँगी अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी पसंद के अनुसार आप लोग एक ऑप्शन को चुने। तो हम वीडियो को आगे बढ़ाते हुए ऑप्शन वन के साथ रीडिंग को शुरू करते हैं, और मैं यहाँ पर ऑप्शन वन के साथ शुरू कर रही हूँ। कृपया मैं चाहूँगी आप लोग कृष्ण जी और राधा माँ से एक बार प्रार्थना करें कि कृष्ण जी और राधा माँ आपके जीवन में खुशियाँ लाएं, समृद्धि लाएं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन वन। हे कृष्ण जी, हे राधा माँ, आपने बहुत से लोगों के जीवन में एक रोशनी दी है। जब भी लोगों ने आप लोगों, आप दोनों का स्मरण किया है, आपने लोगों की समस्या का समाधान किया है। ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन वन चुना है, उनके जीवन में आगे बढ़ने के प्रेरणा के लिए अपनी तरफ से संकेत देने का कृपा करें। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, ये यहाँ पर कार्ड उछल के आया है टू ऑफ पेंटिकल्स का, तो मैं लेना चाहूँगी इस कार्ड को। किंग ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रिस्टेस, द टावर, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि किसी के भी यहाँ पर आप किसी कार्य के लिए आगे बढ़ते नज़र आ रहे हैं। मुझे मल्टी टास्क करते नज़र आ रहे हैं, किसी भी काम को लेकर कोई उद्देश्य है आपके जीवन में। अब आप अपने जीवन को किस तरीके से बिताना चाहते हैं, आप एक काम पर निर्भर नहीं, आप बहुत से काम कर रहे हैं, एक काम के साथ साथ और भी काम करते नज़र आ रहे हैं। अपने अंदर ये दृढ़ निश्चयता आपने लेकर आई है कि आप अब अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, और एक उचित अनुशासन, साहस बनाकर चलेंगे, जिससे आपको आने वाले समय में कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत ना आए। और यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो आप अपने अंदर ऐसी भावना लेकर आए हैं कि अब पहले आपकी ना कोई कमियां अगर दिखा देता था तो आप है ना उसकी बात को मान लेते थे, है ना, और आप सोच में पड़ जाते। अगर आपको किसी ने कुछ भी बोल दिया, नॉर्मल उस व्यक्ति ने आपको गलत भी बोल दिया है ना, आप नहीं हो ऐसे, फिर भी बोल दिया है कि भाई आपके अंदर ये कमी है, आपको ये कमी का सुधार करना चाहिए, तो आप वहाँ पे ना उनकी बात मान लेते थे। लेकिन अब आप अपनी आप विचार करते नज़र आ रहे हैं कि ये व्यक्ति असल में सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। आप आत्मनिर्भर बनते नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, बातों का आकलन खुद करते नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। आप देखो यहाँ पे
देखो कभी कभी हम ना बहुत अच्छा सोचते हैं अपने बारे में कि अब हम ऐसे चलेंगे, तो हमारी सोच क्या होती है कि अब हमारे साथ कोई भी परिस्थिति, कोई भी चीज़ गड़बड़ नहीं होगी। तो ये जो धारणा होती है ना, ये जो धारणा आती है हमारे अंदर कि अब हम पॉजिटिव रहेंगे, सकारात्मक रहेंगे और आगे आने वाली समस्याओं का सामना डट के करेंगे, तो ये जो फीलिंग होती है ना, ये भावना अपने अंदर आती है ना, कब आती है ये भावना? कभी कभी जब आती है, जब हमारे पास कोई संकट आने वाला होता है, तो भगवान पहले से ही तैयार कर देते हैं हम लोगों को, पहले से ही हमारे अंदर एक कहते हैं ना कि इस तरीके के एंटीबॉडी, मतलब इस तरीके की एक ऊर्जा विकसित कर देते हैं जिससे हम उस समस्या का समाधान करने में सफल हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कोई ऐसा संकट आएगा और उससे आप, क्योंकि आपकी जो एनर्जी, यहीं से आप बहुत पॉजिटिव चल रहे हो, स्टार्टिंग से ही आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चल रहे हो, है ना, बहुत ही ज़्यादा आपने सोच लिया है इस चीज़ को कि भाई कोई दिक्कत आएगी तो मैं समस्या का समाधान बहुत ही आराम से सोच विचार के करूँगा। और यहाँ पे थोड़ा सा आपको कोई चीज़ ऐसी नज़र आ रही है मुझे, कुछ चीज़ आपको ऐसी पता लगेगी जो आपको पता नहीं होगी और आपको बाद में पता लगेगा, तो आपको उससे धक्का महसूस होगा। देखो बुरा लगेगा आपको, लेकिन फिर आप ना महसूस ही नहीं होने देंगे सामने वाले को कि आपको बुरा लगा है। तो वहाँ पर आप सिचुएशन को भी ना, सिचुएशन से भी निकलते नज़र आ रहे हैं, वहाँ पर ऐसे संभालेंगे आप कि भाई मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, है ना, यहाँ पे मैं ऐसा देख रही हूँ। अब यहाँ पे द टावर का कार्ड आ गया है, तो मैं यहाँ पर यहाँ से और देखना चाहूँगी। देखिए वैसे तो आपने परिस्थिति के अनुसार आपने समाधान निकाल लिया है और जो भी लोग हैं उनको आपने करारा जवाब दिया है। वो चाह रहे थे, वो सोचे थे आप गिर जाओगे ठोकर खा के, उन्होंने आपके आपको ठोकर देने का प्रयास किया है, कुछ चीज़ ऐसी छुपाई है जो आपको पता लगी है और आपको उन्होंने ठोकर दी है, लेकिन आप संभल गए हो, आप गिरे नहीं हो अपने कौशल के दम पर, अपने कौशल के दम पर आप गिरे नहीं हो। ये यहाँ पर मैं चाह रही हूँ कि कोई भी कार्ड, जय श्री कृष्ण राधे, दुर्गा मैया का कार्ड आया है। और देखो आपको शक्ति कहाँ से मिल रही है, आपकी शक्ति का स्रोत बता दूँ, कहीं ना कहीं आप कुछ ऐसा सुनते हैं, या तो आप दुर्गा जी का पाठ करते हैं, या हनुमान जी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, या आप भगवान का नाम सुबह उठ के लेते हैं, कुछ तो आप ऐसा करते हैं अपने पूरे दैनिक दिन में। आपका जो पूरा दिन होता है ना, उस दिन में आप कुछ ऐसा नियम है आपके जीवन में कि आप उसको करते हो, तो यहाँ पे वही जो आपका किया हुआ है ना, जो आप करते हो, यहाँ पर वो मैं देख पा रही हूँ कि वहाँ से आपको शक्ति मिल रही है। द हेरोफाइन का कार्ड आया है और धार्मिक होते नज़र आ रहे हो, भगवान की जय, शिव शंभू बाबा कृपा करिए आपने, और यहाँ पे धार्मिक होते नज़र आ रहे हो, भगवान से भरोसा नहीं उठ रहा है, कितनी भी समस्या आ रही है भगवान से भरोसा नहीं उठ रहा है आपका, और इसी भरोसे से ईश्वर भी देख रहे हैं कि भाई ये तो डगमगाने वाला व्यक्ति नहीं है, टेस्ट में भी पास हो गया, मैंने थोड़ा सा समस्या दी और लोगों को बेहतरीन तरीके से नज़रअंदाज करते नज़र आ रहे हैं, लोग परेशानी आपको दे रहे हैं लेकिन आप ऐसे निकलते नज़र आ रहे हैं कि क्या ही कहें, और वो धूल चाटते नज़र आ रहे हैं आपके जो भी एनिमी हैं, जो भी दुश्मन हैं आपके, जो आपको कष्ट पहुंचाना चाहते हैं, जिसने आपको जो कुछ छुपाया है वो आपने उसको इस तरीके से टकल किया है कि भाई ये चीज़ मुझे पता होती फिर भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या ये चीज़ मुझे नहीं पता आपने नहीं बताई फिर भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी लाइफ में इसका कोई महत्व ही नहीं है, कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, है ना, जिस व्यक्ति के बारे में छुपाया है वो मेरे जीवन में कोई महत्व ही नहीं रखता, ठीक है। तो आप यहाँ पे धार्मिक होते नज़र आ रहे हो, तो शिव जी का कार्ड आया आपके पास, द एम्प्रेस, तो यहाँ पे, और जब आपको सफलता मिल रही है ना इस तरीके से, आप जब लोगों को अपने अपने जो दुश्मन हैं आपके, दुश्मन क्या प्रतियोगिता होती है हमारी सबसे, तो जिनसे भी आपकी प्रतियोगिता, जिन लोगों ने भी आपको कष्ट पहुँचाया है, आप एक ऐसा प्रतिनिधित्व, एक ऐसे व्यक्ति उनके सामने होके खड़े होके नज़र आ रहे हैं कि
यहाँ पर वो कह रहे हैं कि भाई इसको तो हिलाना बहुत ही मुश्किल है, और आपके जो दुश्मन हैं आप तो डरते नज़र आ रहे हैं मुझे, यहाँ पे डर रहे हैं वो आपसे, ठीक है, और संयम है आपके अंदर, आपको पता है मुझे कहाँ पर अपनी कितनी एनर्जी को वेस्ट करना है, कहाँ कितनी एनर्जी लगानी है, तो अपनी एनर्जी को भी बचाते यहाँ नज़र आ रहे हैं आप। यहाँ पर आप जहाँ ज़रूरत है उतना ही लोगों से बात कर रहे हैं, जहाँ ज़रूरत है उतनी ही लोगों को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप ईश्वर का साथ कभी ना छोड़ें, उन पर विश्वास कभी ना छोड़ें, आपके साथ ईश्वर हैं। तो ये थी ऑप्शन वन यानी कि राधा जी और कृष्ण जी की तरफ से आपके लिए दिव्य संदेश। अब हम जानेंगे जिन लोगों ने कृष्ण जी का बाल रूप चुना है उनके जीवन में कृष्ण जी और राधा माँ की तरफ से क्या आ रहे हैं दिव्य संदेश। जय श्री कृष्ण राधे माँ। हे बाल गोपाल, जो भी आपको जिन लोगों ने आपको चुना है, ऑप्शन टू चुना है, जो भी आपके आराध्य हैं, कृपया उनका मार्गदर्शन करें, उन्हें संकेत दें ताकि वो अपने जीवन में सफलता को हासिल कर सकें। तो मैं यहाँ पर ओम नमः शिवाय, जय जय शिव शंकर भोलेनाथ। आइए देखते हैं आपके लिए क्या है कृष्ण जी और राधा माँ का दिव्य संदेश। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन टू। हे कृष्ण जी, हे राधा माँ, मुझे गाइड करें ऑप्शन टू के लिए। टेम्परेंस, आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखते नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग कुछ समस्या से निकले हैं और वो चाह रहे हैं कि आगे उनके लिए कोई भी समस्या ऐसी ना खड़ी हो। वो चाह रहे हैं कि जैसे आप किसी परेशानी से, स्वास्थ्य से संबंधित समस्या से यदि ग्रसित थे, और अब आप अगर उस समस्या से आपको निपटारा मिला है, छुटकारा मिला है, तो अब आप उस एनर्जी में, उस स्थिति में, उस परिस्थिति में नहीं आना चाहते हैं दोबारा, और आप चाहते हैं जिस स्थिति से आप निकले हैं उस स्थिति में आप ना जाएं। तो आप यहाँ पर भरपूर अपना ख्याल रखते नज़र आ रहे हैं, भरपूर बिल्कुल चौकन्ने हैं आप अपने जीवन में, बहुत ज़्यादा चौकन्ने हैं यहाँ पर, और कोई भी गलती आगे ना करने की आपने यहाँ पे संकल्प किया है। थ्री ऑफ वांड्स, टू ऑफ पेंटाकल्स, द हैंगमैन। और देखिए परेशानी आ रही है, देखो परेशानी, रात और दिन तो आना है, ठीक है, और दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, ये चक्र है, लेकिन समस्या आने पर आप डगमगा नहीं रहे हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे आपको अपने ऊपर पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास रखते हैं आप अपने ऊपर कि आप, है ना, कर लेंगे जो आप करना चाहते हैं वो करेंगे आप, बिल्कुल भी आप घबरा नहीं रहे हैं। द स्टार का कार्ड आ गया है और आपको जो भी एनर्जी थी आपकी, जो भी नकारात्मक था थी, उससे आप सकारात्मकता की तरफ बढ़ते नज़र आ रहे हैं। जो समय, देखिए आपको अच्छा समय आने वाला है, आपको किसी भी कार्य में यदि सफलता नहीं मिल रही थी, नहीं मिल पा रही थी, तो आप यहाँ पर सफलता को आकर्षित करते नज़र आ रहे हैं, अपनी गलतियों से सीख लेते नज़र आ रहे हैं। द लवर, और लवर का कार्ड आ गया है, कुछ लोगों के लिए ऐसे संकेत आ रहे हैं, अपने प्यार के साथ आप समय बिताएंगे, अपने लवर के साथ आप समय बिता सकते हैं। मैं ऐसे रख देती हूँ इसको। अच्छा समय आ रहा है और आप अपने कर्मों से अच्छा समय लेकर आए हैं, है ना, बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ आपने त्याग किया है अपने जीवन में, बहुत कुछ त्याग किया है, बहुत समस्या से जूझे हैं, और आपने उसी समय ये तय कर लिया था कि मैं एक बार इस परिस्थिति से निकल जाऊं और फिर मैं, जो मैंने गलतियां की हैं उसे मैं नहीं दोहराऊंगा, जस्टिस। और देखिए यहाँ पर जस्टिस का भी कार्ड आ गया है आपके लिए, बहुत बहुत बधाई आपको। यदि आप किसी भी चीज़ को लेके, आप कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई समस्या थी या किसी चीज़ का निर्णय का इंतज़ार कर रहे थे, तो वो निर्णय होता नज़र आ रहा है और आपके हक में। द मून, द स्टार इन द मून, और आप
अपनी गलतियों के लिए भी क्षमा मांगते नजर आ रहे हैं मुझे, क्योंकि हो सकता है आपसे कुछ गलती हुई हो पिछले टाइम में, तो आप यहाँ पर गलती को मानते नजर आ रहे हैं, है ना। देखो गलती को मान लेता है ना जो व्यक्ति, बहुत बड़ी बात है। हर कोई अपनी गलती को नहीं मानते हैं, कुछ लोग गलती को नहीं मानते हैं और हमेशा अपने आप को ही सही ठहराते हैं। तो ये बहुत हिम्मत की बात है कि आप निकल रहे हैं, है ना। लेकिन देखो यहाँ पर कार्ड आया है कि जो जो परिस्थिति से आप निकले हैं ना, उस परिस्थिति में दोबारा फंसने का डर क्यों है आपके अंदर। यहाँ पर डर पीछा नहीं छोड़ता नज़र आ रहा आपका। यहाँ पे आप जिस परिस्थिति में हैं, उस परिस्थिति में दोबारा परिस्थिति से निकले हैं, उस परिस्थिति में दोबारा फंसने का बहुत ज़्यादा डर है और ये आपके मानसिक कष्ट का कारण बनता नज़र आ रहा है। मैं कार्ड यहाँ से और ले लूँ, चलो मैं यहाँ से निकालती हूँ इससे, क्योंकि वो मैंने यहाँ पर, देखो डरना नहीं है, ये समय है आपके जीवन में, ये समय तो आना ही था और इसको आपको झेलना है, हंस के झेलना है। रो के झेलेंगे तो दुनिया को पता लग जाएगा, दुनिया को पता नहीं लगने देना है। द टेम्परेंस का कार्ड है और आपने इस समस्या, देखो यहाँ पे स्टार्टिंग यहाँ से हुई थी और यहाँ भी यहाँ से हो रहा है। देखो एक समस्या से आप निकले थे, है ना, आपको उसका सलूशन पता है, आपको उसका उपाय पता है, सिंपल उसी उपाय को कर लीजिएगा दोबारा से। भगवान कह रहे हैं डरना नहीं है बच्चे, समस्या आएगी, समस्या यदि आती है तो पहले भी निकल चुके हो, आपको उपाय पता है और उपाय करना है आपको, वही उपाय करना है, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान रखना है इन चीज़ों का कि जब समस्या आई थी तो उसका समाधान कैसे किया था। तो यहाँ पे आपको देखो, आप अभी जब अच्छी स्थिति में हो ना तो किसी का भी गलत मत करिएगा। देखो यहाँ पे ये आपके लिए संकेत आया है कृष्ण जी और राधा माँ की तरफ से, आपको किसी भी चीज़ का घमंड नहीं करना है। ये संकेत अभी जस्ट आपके लिए आया है, आपको घमंड नहीं करना है, और यदि घमंड करते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा आएगी, जो आप देते हैं व्यक्ति को वही मिलता है। तो आपको भी किसी का घमंड झेलना पड़ेगा, कोई आ जाएगा 30 मार्क आपकी लाइफ में जो आपसे भी ज़्यादा बढ़कर होगा। और यहाँ पे आपको अपना सेहत का ध्यान कैसे रखना है मैं बता चुकी हूँ, जो आपने पहले उपाय किया उसको करें, और बहुत ज़्यादा संयम से बुरे टाइम का आपको ध्यान रखना है। आपको औरों की सहायता करनी है यहाँ पे, ताकि आपको आपके जीवन में अच्छी एनर्जी आए। आप जो चाहते हैं लोगों से वैसा ही व्यवहार करना है आपको। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपका सम्मान करें, आपका अपमान ना करें, तो आप भी दीजिए, आप भी सम्मान दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे आपको दूसरों की सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहना है, और देखो बैलेंस मत बिगड़ने देना अपने जीवन का। बहुत अच्छा यहाँ पे चल रहा था रूटीन, ठीक है, जिस तरीके से आप आगे बढ़े हैं उस बैलेंस को खराब मत होने दीजिएगा अपने जीवन में। तो ये थी ऑप्शन 2 की रीडिंग। यदि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका लाइक और आपका कमेंट मेरे लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, और जय श्री राधा कृष्ण करने से कोई भी नुकसान नहीं है, आपका बहुत ही फायदा होगा। ईश्वर हर वक्त आपके साथ रहते हैं, और आप जय श्री कृष्ण राधे करने से, राधे 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 कृष्ण करने से कृष्ण जी भी खुश होते हैं और आपके जीवन में आने वाले संकट से आपको दूर रखते हैं। और मैं आगे एक चीज़ और कहना चाहूँगी, मैंने अपनी पिछली रीडिंग में भी बोला है कि कृपया आप लोग इस जुलाई के महीने में एक पेड़ अवश्य लगाएं। प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पे संकल्प करें कि जुलाई के महीने में हमें एक पेड़ पौधा लगाना है, पौधा लगाएं, क्योंकि इस समय पर पौधे ग्रोथ भी कर जाते हैं, बारिश का समय है। तो ये थी आज की रीडिंग, चलती हूँ मैं, आगे मिलेंगे ऐसी ही ऊर्जा के साथ, बेहतर रीडिंग के साथ। ओम नमः शिवाय, धन्यवाद।